लोकसभा चुनाव 2019 के उत्तर मुंबई से गोपाल शेट्टी और उर्मिला को टक्कर देने के लिए जनता के बीच है वंचित बहुजन अघाड़ी के उत्तर मुंबई से उम्मीदवार सुनील थोरात। कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जोश से रैली के माध्यम से सुनील थोरात ने जनता के बीच जाकर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। खास बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर मुंबई से जिस तरह से गोपाल शेट्टी और अभिनेत्री उर्मिला के सामने सुनील बहुजन अघाड़ी पार्टी से सुनील जी प्रत्याशी हैं, तो सुनील जी क्या लग रहा है, किस तरह से आप तैयार हैं इस चुनाव के लिए, और आपके सामने दो स्ट्रांग लोग हैं, तो कोई डर है आपके मन में? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। ये तो चुनाव है, चुनाव तो लड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरा बहुजन समाज है, वंचित जितने भी वंचित समाज के लोग है वो सारे साथ आज साथ में है। इसके लिए दोनों से मैं डरता नहीं हूँ। एक तरफ पैसे वाले हैं तो दूसरे तरफ समाज की ताकत है। आज समाज एक साथ हो गया, समाज की ताकत पूरी एक है, तो हम जो चुनाव लड़ रहे हैं ये हमारा विचारों के, हम विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पैसे वालों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। लेकिन जिन्होंने आज तक आम जनता के लिए काम नहीं किया उसके लिए सारी लड़ाई है वंचित समाज की। तो सुनील जी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, किस बातों को जनता के बीच रख रहे हैं, जनता की किस क्या उम्मीदें आपको नजर आ रही है, और अगर आप जीतते हैं तो आप उनकी उनकी जो उम्मीदें हैं वो जिस उम्मीद के साथ आपको देख रहे हैं उसे आप पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि समाज के जो भी प्रॉब्लम है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं उसी समाज से हूँ। मैं तो इतना इनके जैसा इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन बाला साहब ने मुझ जैसे आम आदमी को टिकट दे के मेरा जो गौरव किया है, मुझे मेरा जो अभिमान उन्होंने मेरा बढ़ाया, उसके लिए मैं बाला साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे तो ये लगता है कि इस ज़िले के लोग, उत्तर मुंबई के लोग, अब सारा बहुजन समाज वंचित समाज एक साथ आ गया है, और गोपाल शेट्टी और उर्मिला मातोंडकर को एक डर पैदा हो गया कि ये वंचित समाज अगर एक साथ होता है तो इन दोनों की हालत ख़राब है। जिस तरह से आपने कहा आपकी वंचित समाज के लोगों को लेकर चला, लेकिन और भी जो समाज के लोग हैं क्या आप उनके लिए नहीं कार्य करेंगे? नहीं नहीं, सारे समाज के लिए काम करेंगे। हर वह हमारा तो नारा है KG to PG, यहाँ तक का जो शिक्षा है वो मुफ्त होना चाहिए, हमारा एजेंडा है। हम उसके ऊपर पहले काम करेंगे, यहाँ की जो बेसिक समस्या है उसके ऊपर काम करेंगे, लोगों में जाके उनके जो सवाल है वो लेके हम आगे जाएंगे। क्योंकि आज तक गोपाल शेट्टी 5 साल में कहीं भी स्लम में घूमे नहीं है, कहीं भी वो दिखाई दे नहीं। आज चुनाव आया तो गोपाल शेट्टी जी को प्रचार करना पड़ रहा है, ये बड़ी दिक्कत ये बात है। अगर वो काम करते तो उनको लोगों के सामने जाने की जरूरत भी नहीं रहती थी। आज उन्होंने काम नहीं किया, इसके लिए उनको दौड़ना पड़ रहा है। और उनके तो वंचित समाज एक साथ आ गया, बाला साहब ने जो आवाज़ दिया है उसके लिए लोग सब एक साथ आ जाते हैं। बाला साहब का नाम ही चल रहा है, ओबीसी का नाम ही चल रहा है आजकल तो। आज ये जो पूरा महाराष्ट्र के अंदर जो दोनों ने खलबली मचाई है, ये दोनों की हालत खराब है, कांग्रेस के भी खराब है और बीजेपी की भी खराब है। और जो जनता, जिस तरह से आपकी जो रैलियां निकल रही है, जो जनता का हुजूम देखने को मिलता है, लोगों की एक भीड़ देखने को मिलती है, तो ये देखकर आपके ऊपर जो विश्वास वो दिखा रहे हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है? जी आज जो मेरा समाज है वो खुद आके बाहर निकल रहा है, इसके लिए मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो समाज कभी बाहर नहीं निकलता था, आज एजुकेटेड लोग बाहर निकल रहे हैं, ताकि उनको भी ऐसा लगता है यहाँ बाला साहब ने बहुत अच्छा एक फैक्टर खेला है, ये फैक्टर सक्सेस हो जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। और लोग जो बाहर निकलते हैं उनकी भी उम्मीद है कि भाई हमारा आदमी अगर चुन के आता है तो हमारे सवाल जो है, गरीबों के जो सवाल है वो संसद में उठाएगा, ये उनको लगता है। बाकी उनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि भाई ये उम्मीदवार ने हमें कुछ देना चाहिए, ऐसा कोई भी आदमी हमसे बात नहीं करता है। खुद होके आते हैं रैली में, अपना पानी पीते हैं, अपना खाना खाते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि उनको इतना लगता है बाला साहब ने जो आदमी दिया है, खुद बाला साहब हमें नज़र आते हैं। जिस तरह से यहाँ पर सभाएं की जा रही हैं, बड़े बड़े सीएम और बड़े बड़े लोगों को, स्टार प्रचारक को बुलाया जा रहा है जनता के बीच, तो आप सुनील जी कोई सभा के माध्यम से क्या कोई स्टार प्रचारक या कोई नजर आ सकता है आपके? हमारे तो स्टार प्रचारक एक ही है, बाला साहब आम्बेडकर। अब कल हमारी सभा है मालोनी में, वो हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे आगे की सभा का क्या नियोजन होता है उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन कल तो मालोनी में सभा है, आप देखने को मिलेगा कि कितने लोग खुद सामने से आते हैं, हमको लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, लोग हमें पूछते हैं उम्मीदवार को कि उम्मीदवार कब आ रहा है, मतलब इतना जुनून वो लोगों में पैदा हुआ है। जनता से क्या अपील है आपकी? जनता से तो मैं ये अपील करूँगा कि आने वाले 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने के लिए उतरे, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है 8 नंबर का बटन है, कब बसी निशानी है, उसको दबाकर
हमें विजयी बनाए, इतनी मैं जनता से अपील करूंगा। कल क्योंकि सारे समाज का सवाल जो है वो सारे समाज के लिए हमें काम करना है। कोई एक बहुजन वंचित बहुजन पर आघाड़ी एक समाज के लिए काम नहीं करेगी, सारे समाज के लिए। और सबसे पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा कि मैं एजुकेशन के ऊपर पहले काम करूंगा और स्लम में जितने भी प्रॉब्लम है वो छोड़ने का प्रयास करूँगा। गोपाल शेट्टी आने पर भी यहाँ पर भी कोई हुआ नहीं है, कोई जैसे कि आप कहीं भी आप चौल्स में देखिए, दामोनगर देखिए, खेत के पाड़ा देखिए, पानी का प्रॉब्लम है, हर चीज़ का प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम्स है, टॉयलेट्स का प्रॉब्लम्स है। हमने काफ़ी कंप्लेंट्स बीएमसी में करने पर भी वहाँ पर कोई एक्शन हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसा बीजेपी का सरकार है। इसलिए आज हमने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा किए हैं जो बहुत नामचीन है और उनकी पहचान अच्छी है, और हम सब साथ में मिलके लोगों का जो भी तकलीफ है हम दिल्ली लेके जाने के लिए हम कोशिश करेंगे। इसके लिए हम यही चाहते हैं कि सब हमें सपोर्ट करें, हमें ये मौका दें कि हम ये जीत कर हम वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए हम कुछ काम करें।